हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एरो ओएस का एंड देखेंगे कि इसके नए अपडेट में कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, इस रोम का न्यू अपडेट एरो ओएस 12.1 आ गया है हमारे रेडमी नोट 5 प्रो के लिए। मैं इंस्टॉलेशन की प्रोसेस नहीं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, क्योंकि मैंने पहले ही बहुत सारे वीडियोज़ में बताया है कि किसी भी कस्टम रोम को इंस्टॉल कैसे करते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दूंगा, या फिर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेक करके डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट थी कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले iOS के इस न्यू अपडेट के बारे में बता देता हूँ। मुझे यूज़ करके ऐसा लगता है कि इस अपडेट में ये रोम और बेटर परफॉर्म करता है पिछले अपडेट से, क्योंकि हमें इसमें एंड्रॉयड वर्जन 12.1 देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी पैच जुलाई 2022 का देखने मिल जाता है एंड ये लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है जो कि आपको इस रोम में देखने मिलता है। कर्नल की बात करें तो आपको वही स्टॉर्म बेकर X8 का कर्नल देखने मिलता है, सो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। मेन सेटिंग पर आने पर हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर पहले आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट का ऑप्शन देखने को मिलता है, उसके अंदर आपका वाईफाई एंड हॉटस्पॉट देखने को मिल जाता है और दोनों ही बहुत अच्छे से काम करते हैं। उसके बाद आपको कनेक्टेड डिवाइस का ऑप्शन देखने को मिलता है। उसके अंदर चले तो यहाँ पर कनेक्शन प्रिफरेंस में आपका ब्लूटूथ एंड कास्ट फीचर अच्छे से वर्क कर रहा है। नेक्स्ट, ऐप्स के अंदर डिफॉल्ट ऐप्स में हमें क्विक स्टेप का लॉन्चर देखने को मिल जाता है। इसमें आपको गेम स्पेस का ऑप्शन एंड गूगल असिस्टेंट देखने मिलता है। दोनों ही प्रॉपरली वर्क करता है, कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है आपको इसमें। नेक्स्ट, नोटिफिकेशन में आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। बैटरी में भी हमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। स्टोरेज की बात की जाए तो ये इंस्टॉलेशन के लिए बहुत ही कम स्पेस लेता है, अराउंड 12 GB का स्पेस लेता है। नेक्स्ट, साउंड में आपको लास्ट में MI साउंड एनहेंस का ऑप्शन दिया गया है, बाकी सब सेटिंग सेम ही देखने को मिल जाता है आपको। इसमें आप MI के हेडफोन चूज कर सकते हो एंड उसके हिसाब से आपका साउंड एनहेंस भी होता है। नेक्स्ट, डिस्प्ले में आपको कुछ खास चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। डार्क थीम, ब्राइटनेस एंड नाइट लाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ लास्ट में आपको स्टेटस बार आइटम्स एंड डेली डेटा यूसेज का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। इसे ऑन करते ही क्विक सेटिंग्स के बॉटम में आपने कितना डेटा यूज़ किया है उसकी डिटेल्स आपको पता चल जाता है। बाकी डार्क मोड अच्छे से काम कर रहा है। नेक्स्ट, वॉलपेपर एंड स्टाइल का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसमें आपको वॉलपेपर कलर्स में एक ही ऑप्शन देखने को मिलता है, बट क्लासिक कलर्स में आपको 4 डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। नीचे आपको थीम आइकॉन, ऐप ग्रिड, सिस्टम आइकॉन पैक्स एंड सिस्टम फॉन्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बाकी इसमें सब बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, सभी वॉलपेपर्स एंड थीम अच्छे से अप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी में फर्स्ट तो आपको ऐप लॉक देखने को नहीं मिलता है। पैटर्न एंड फिंगरप्रिंट लॉक अच्छे से वर्क कर रहा है, आप देख सकते हो फिंगरप्रिंट सही से काम करता है। बाकी इसमें आपको फेस अनलॉक एंड ऐप लॉक देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट सेटिंग पे आए तो
आपका यहाँ डिजिटल वेलबिंग भी अच्छे से काम करता है। एंड लास्ट में आपको सिस्टम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसमें आपको लाइव ट्रांसलेट, लैंग्वेज एंड बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। स्टेटस बार में आपको कोई लैग देखने को नहीं मिलता, बट एनिमेशन की वजह से थोड़ा स्लो फील होता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग की बात की जाए तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी प्रॉपरली वर्क करता है, कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलता है इसमें। कॉलिंग भी अच्छे से काम कर रहा है एंड कॉल रिकॉर्डिंग भी प्रॉपर वर्क करता है। ऐप्स ओपनिंग के मामले में ये OS अच्छा परफॉर्म करता है, ऐप ओपनिंग काफ़ी फास्ट होता है। होप सो नेक्स्ट अपडेट में और भी ऑप्टिमाइज हो जाए। ओवरऑल ये रोम एक स्टेबल एंड बेटर परफॉर्मिंग रोम है। इसमें हमें गेमिंग में भी प्रॉब्लम नहीं आती है, काफ़ी अच्छे से वर्क करता है ये गेमिंग में। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट करके बता देना। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड इफ़ यू अप्रिशिएट माई वर्क प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।